लड़का बहुत अजीब है, माँ ने बस उसका माथा चूमा जिससे अगले ही पल। लड़के का नाम जैक है। कुछ घंटे पहले जैक के कुत्ते की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। उसने कुत्ते की लाश को अपनी उंगली से छुआ और कुत्ता जिंदा होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तब से जैक अपनी पावर्स जान गया। उसने गिलहरियों और मक्खियों को दोबारा जिंदा करते हुए अपनी सुपर पावर्स को लापरवाही से खर्च करना शुरू कर दिया। वह इसे मौत से चुराता रहा, लेकिन अब वो घर लौट आया है। उसकी माँ की ब्रेन हेमरेज से मौके पर ही मौत हो गई। जैक ने अपनी माँ को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन एक मिनट बाद ही उसकी पहली गर्लफ्रेंड के डैड की मौत हो गई। तब जैक को एहसास हुआ कि वो केवल एक मिनट के लिए मुर्दों को वापस जिंदा कर सकता है। एक बार टाइम आउट पास आने पर एक रैंडम आदमी मर जाएगा। आखिरकार ग्रिम रीपर का भी परीक्षण पूरा करना होगा। इस सुपर पावर में एक और दोष है, अगर उसने जिस व्यक्ति को पुनर्जीवित किया है वो उसके साथ शारीरिक संपर्क नहीं बना सकता है, नहीं तो वो पूरी तरह से मर जाएगा। ऐसा लगता है कि उसकी माँ पुनर्जीवित हो गई है, लेकिन पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुई है। दो बच्चे बेवजह अनाथ हो गए। तब से 20 साल बीत चुके हैं। आखिरकार जैक को अपनी सुपर पावर्स का सही इस्तेमाल मिल गया। उसने एक सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी उठाई और तुरंत स्ट्रॉबेरी अजीब तरह से बिल्कुल ताज़ा हो गई। तब से उसे फलों पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। यह वही है जो वो करता है, वो एक नॉर्मल पेस्ट्री शेफ है। लेकिन एक दिन एक जासूस इमारत की छत पर एक चोर का पीछा कर रहा था। जैक नीचे कूड़ा फेंक रहा था और तभी चोर गलती से अपना पैर खो बैठा और छत से गिर गया। चोर पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैक आगे बढ़ा और हल्के से क्लिक के साथ उसे दूर फेंक दिया। ये सब कुछ जासूस बॉब ने देख लिया। ऐसी स्किल्स को इन केसेस में यूज करना बहुत सही रहेगा। अगले दिन जैक मुर्दाघर आया, जहां पर विक्टिम एक अमीर आदमी था। वो अपने ही ऑफिस में मर गया और चेहरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सिर्फ एक मुजरिम उसका कुत्ता था, लेकिन आदमी के परिवार का मानना है कि असली हत्यारा कोई और है, इसलिए उन्होंने असली हत्यारे को पकड़ने के लिए बड़ा इनाम देने की पेशकश की है। जैक ने अपनी घड़ी से एक मिनट के लिए उसे जिंदा करने का फैसला किया। फिर उसने शरीर को छुआ। जैक ने उससे पूछा कि हत्यारा कौन था। वो मेरा सेक्रेटरी था जिसने कुत्ते को मुझे काटने दिया। मामला आसानी से सुलझ गया और जैक भी अपनी सुपर पावर से जासूस बन गया। इस दिन जैक टीवी देख रहा था। इस न्यूज में एक नए मर्डर का मामला सामने आया है। समुद्र से एक महिला का शरीर बरामद किया गया। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए $50,000 का इनाम रखा। जैक ने देखा कि विक्टिम उसकी पहली गर्लफ्रेंड लूसी थी। अनाथ होने के बाद से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। जैक ने लूसी की मदद करने के लिए बदला लेने का फैसला किया, उसके पिता की हत्या के अपराध की भरपाई के लिए। वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को फिर से जिंदा करने के लिए तैयार है। उसने धीरे से अपनी उंगली से खूबसूरत लड़की के चेहरे को छुआ। उन्होंने 20 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। जैक ने अपनी पहचान बताई। लूसी ने बस अपने हाथ से स्टूल नीचे रख दिया। जैक जानना चाहता था कि उसे किसने मारा। वो उसकी मौत का बदला लेगा, लेकिन लूसी को सिर्फ इतना याद था कि उसका प्लास्टिक बैग से दम घुट गया था। उसने यह नहीं देखा कि हत्यारा कौन था। जैक की पावर्स अपनी सीमा तक पहुंचने वाली है। यदि जिस व्यक्ति को उसने फिर से जिंदा किया वो एक मिनट के बाद भी जिंदा है, तो पास में एक निर्दोष व्यक्ति मर जाएगा, और जैसे ही वो लूसी को दोबारा छुएगा लूसी फिर से मर जाएगी। लूसी ने विदाई के रूप में किस मांगी, लेकिन जैक अलविदा कहने में झिझक रहा था। इसी समय एक बूढ़ा आदमी अगले टॉयलेट में आया। एक मिनट की उल्टी गिनती खत्म होने के साथ बूढ़ा आदमी तुरंत मर गया। उसके पास टॉयलेट करने का भी समय नहीं था। वो लूसी का बलि का बकरा बन गया। ये दूसरी बार है जब जैक ने नियम तोड़े हैं। ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए। जैक ने लूसी से कहा कि वो पहले मरने का नाटक करे, वो उसे चुपके से घर लाने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। वो बाहर गया और सबसे पहले जासूस बॉब को भेजा। फिर वो वापस कमरे में लौटा, लेकिन अब तक लूसी का ताबूत गाड़ी पर लाद दिया गया था। इस आदमी ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को जिंदा करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और फिर उससे मरने का नाटक करवाया, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। जैक कब्रिस्तान की ओर भागा। हे, वहां पर किसी की कार जल रही है। सॉरी, मुझे देरी हो गई। वे आखिरकार फिर से एक साथ हो सकते हैं। अगली सबसे जरूरी बात है हत्यारे का पता लगाना। तब लूसी ने आखिरकार सच बता दिया। वो हाल ही में जहाज से प्राचीन चीजों की तस्करी कर रही थी। उसे एक ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर ने काम सौंपा था। वे ट्रैवल एजेंसी पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैनेजर की मौत उसी प्लास्टिक बैग से हुई थी। जैक ने फिर से वही चाल आजमाई, लेकिन मैनेजर बकबक करने लगी। कुछ समय बाद उसने जैक को छुआ और अगले ही पल वो मर गई। ये पता चला है कि इस महिला को एंटीक में अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में सच्चाई जानने के लिए जैक ने अपनी सुपर पावर से कुछ समय के लिए दोबारा जिंदा किया था। लेकिन अब हमें पता है कि हत्यारा प्राचीन वस्तुओं के लिए आया होगा। अगर उसे पहले से ही प्राचीन वस्तु मिल गई हो तो मैनेजर को दोबारा जिंदा करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उसी पल लूसी को याद आया कि उसके कमरे की चाबी रेफ्रिजरेटर में छिपी हुई थी। कातिल कमरे में घुस ही नहीं पाया, और अब जहाज कंपनी ने प्राचीन वस्तुएं लूसी के घर वापस भेज दी होंगी। वे तीनों तुरंत फिर से लूसी के घर गए। इस समय लूसी की दोनों चाचियां दुख की स्थिति में थी। कुछ देर रुकने के बाद जैक ने आराम से कहा कि वो लूसी का सामान देखना चाहता है। लूसी की चाची जब बक्सा लेने ऊपर गई तो हादसा हो गया। जैक आधे दिन तक बिना किसी को देखे नीचे वेट करता रहा। वो देखने के लिए ऊपर चला गया, लेकिन उस पर भी हमला किया गया। लूसी ने बक्सा मारकर मदद करने की कोशिश की। हत्यारा चौंक गया। मैंने तो तुम्हें मार दिया था, मैं लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकती हूँ। हत्यारे को आखिरकार मार दिया गया। चाची एक आंख से अंधी थी, इसलिए उसने लूसी को दूसरी तरफ नहीं देखा।
जब सभी ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जासूस बॉब ने जैक को ब्लैक फेस के साथ पाया। उनके पास एक नया केस है और विक्टिम वही चाचा थे जिनकी टॉयलेट में मौत हो गई थी। इस आदमी की सुपर पावर्स में एक बग है, एक बार छूने पर मुर्दा जिंदा हो जाता है और दूसरी बार छूने पर व्यक्ति को हमेशा के लिए मरवा देगा, और यदि दोनों स्पर्शों के बीच का समय एक मिनट से अधिक हो जाए तो पास के किसी भी एक रैंडम आदमी की मौत हो जाएगी। इस तरह टॉम ने उसे मरने दिया। जैक ने व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए उसे वापस जिंदा कर दिया और अचानक ये हो गया। नहीं, ये फंस गया है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? 29 सेकंड बचे हैं। एलर इतना डर गया कि वो पीछे मुड़ा और भाग गया। हो सकता है कि अगर वो काफी तेज दौड़े तो मौत उसे पकड़ न सकेगी। शायद मुझे उसे उसका जीवन वापस दे देना चाहिए। नहीं, यह इस तरह काम नहीं करता। आखिरकार आखिरी सेकंड में जैक ताबूत खोलने और टॉम को मौत के घाट उतारने में कामयाब रहा, लेकिन उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य भी पता चला। टॉम ने अपने पद की शक्ति का इस्तेमाल किया, बहुत सारा दफन सामान चुरा लिया। जमा किए गए आभूषणों की मात्रा बहुत बड़ी है, लेकिन ये अकेले उसका काम नहीं है, बल्कि यह एक पारिवारिक काम था। आखिर में सारा खजाना उसके जुड़वा भाई ने छिपा दिया। खजाना ढूंढने के लिए लूसी फ्यूनरल होम से सभी लेटर्स घर ले आई, लेकिन कहानी ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जैक उस रात किचन में केक बना रहा था और उसने रेफ्रिजरेटर खोला। अचानक बॉब जैक के रेफ्रिजरेटर में मर गया था। जैक ने तुरंत एले को मदद के लिए बुलाया। इस समय तक पुलिस दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसा लगता है कि कोई जैक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। शरीर को छिपाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने एक बेहतर तरीका सोचा। हेलो, आपको हमें फॉलो करना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम स्वर्ग जा रहे हो। हाँ, एक मिनट में स्वर्ग बंद हो रहा है। जल्दी, एक मिनट में स्वर्ग बंद हो रहा है। आप भी स्वर्ग जा रहे हैं? हाँ, हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। यह अजीब है, हम एक ही समय में मर गए। लेकिन पहले तुम्हें हमें ये बताना होगा कि तुम्हें किसने मारा। तुम्हें स्वर्ग में इंटरव्यू देना होगा। मैं अपनी जीभ की वजह से मार गए, अपनी या किसी और की? बॉब घर पर जीभ का मांस खा रहा था। अचानक एक मेहमान गुस्से में अंदर आया। बॉब इतना डर गया कि उसकी मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई। उन्होंने बॉब को फ्यूनरल होम वापस भेज दिया। फ्यूनरल होम का दरवाजा बंद था, उन्हें खिड़की से चढ़ना पड़ा। यह एक मुर्दाघर है। जैक वहां से गुजरा और गलती से शरीर को छू लिया, लेकिन इसमें कुछ अजीब मिला। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे जिंदा मत करो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हनी, क्या तुमने गैस बंद कर दी? तो टोपी वाला आदमी वही है जिसने बॉब को डराकर मार डाला। उसके पास वही सिविल वार की तलवार थी। कैसे एक एशियाई आदमी, कैसे एक एशियाई अमेरिकी आदमी बन गया? उनके पूर्वजों की कहानी पौराणिक है। ये 100 साल से भी पहले की गर्मी थी। उनके दादा अमेरिका में रेलमार्ग बना रहे थे। ओविसिया की अचानक अल्कोहल पॉइजनिंग से मौत हो गई। बाकी कर्मचारी छिपने के लिए भागे। उसके दादाजी उल्टी दिशा में भागे और कब्रों का एक बेतरतीब सूट उठाया। नतीजा ये हुआ कि इस पहनावे की वजह से उसे सेना का जनरल समझ लिया गया। उसे युद्ध में जाने और दुश्मन को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार उसने युद्ध में बड़ी सफलता प्राप्त की। ये तलवार उनकी महिमा का प्रमाण है। इस तलवार को मेरे दादाजी के पास दफनाया जाना था। इसके बजाय इसे इंटरनेट पर नीलामी के लिए रखा गया। मैं इससे खुश नहीं हूँ। संयोग से जिस दिन टॉम की मौत हुई, टोपी वाले ने पूरी चीज देखी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसने तय कर लिया कि जैक ही हत्यारा है। वे 300 राउंड तक लड़े। जैक को पीटा गया और हरा दिया गया। लूसी प्राइड ने दरवाजा खोला और अंदर आई। टोपी वाला आदमी लूसी पर हमला करने के लिए मुड़ा। जैक शूरवीर लोगों से इंस्पायर था। टोपी वाले को आखिरकार हरा दिया गया। जैक के पीछे का पर्दा चुपचाप गिर गया। जैक रहस्य देखकर हैरान हो गया।